तो गाइस आज हम आपको लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन और हसी वादियों के बीच में। तो इस साइड में आप जंगल ही जंगल और पहाड़ ही पहाड़ मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई अपने शिमला और मनाली आए हुए हैं, लेकिन ये जो प्यारा सा जगह है ये अपने झारखंड के रांची जिले में पड़ता है। और गाइस ये जो जगह है ना, जिस जगह पे खड़े इस जगह को बोला जाता है तिरला। अगर आप ओरमांझी से आओगे तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है आपको, पहुँचना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबको क्या नाम? मेरा नाम है सुरेंद्र राम। तो ये जो है थोड़ा जगह एक्सप्लोर कराइए, बताइए क्या क्या जो है भाई साहब इस जगह का खास। यहाँ पर देखिए खाने में मिलता है यहाँ प्योर, जो यहाँ पर जो भी जंगल का जो साग पात होता है, कटहल साग हो गया, चकोर साग हो गया, पेलको साग हो गया, कांदा साग हो गया, ये सारा चीज, मुनगा साग हो गया, ये सारा चीज खिलाते हैं। और आने वाला समय में बहुत ऐसा चीज हम पेश करेंगे कि जंगल का हर कंदमूल सबको खाने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सबसे अच्छा है कि हम सखुआ पतल में खिलाते हैं, और जो कि यहाँ ढेकी चावल हम यहाँ पर देते हैं। अच्छा, ढेकी चावल देते जी हैं। जी भाई साहब, वो तो आजकल मिलना ही बंद हो गया। तो ये जो जगह हो गया बैठने का, नहीं हाँ, जो देख सकते हैं आप यहाँ पर। अच्छा। लोग 2-3 घंटा इंतजार करके लोग यहाँ पर खाना खाता है। अच्छा, मतलब नंबर लगा रहता है? नंबर लगा, हाँ। अभी 5-6 बज जाएगा मेरा ये ऑर्डर पूरा करते करते जी। मतलब पीक डेज कौन सा रहता है, कौन से दिन में जो है ज्यादा रश? अभी तो मेरा पर डे भीड़ हो रहा है। और ये जो देख लो गाइस, यहाँ का व्यू बोलता है, लोगो बोलता है कि यहाँ कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर से बिल्कुल कम नहीं है। बहुत सुंदर सा जगह है, बहुत बढ़िया है। ये हो गया आपका ऊपर का एरिया, है ना जी। शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो हम गुलगुला बेच रहे थे, और ये गुलगुला मेरा 50 रुपया का पर डे बिकता नहीं था, लेकिन आजकल तो आजकल तो कभी कभार गाड़ी लग जाता है, देख सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मतलब एक टाइम था 50 रुपए का बिक्री नहीं होता, आज के डेट में गाड़ी का लाइन देखा होगा यहाँ पे, चारों तरफ जो है भरा पड़ा है पार्किंग एरिया, है ना। आने वाला दिन में ये जगह भी छोटा लगने लगेगा। हाँ, अब ये छोटा लग रहा है आने वाला दिन में तो। और यहाँ पर जो हम बतख रखते हैं, मतलब यहाँ से पहले ये को स्विमिंग पूल बना रखे हैं बतख के लिए। हाँ, यहाँ पर डे पानी चेंज करते हैं बतख के लिए। अच्छा, पर डे पानी चेंज होता है? हाँ, नदी बतख बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है भाई साहब सब कुछ आपको फ्रेश और हेल्दी खाने मिलने वाला है ना। ये देखो क्या रेट लेते हैं भैया बतख वगैरह का? एक खड़ा बतख बना के हम 450 रुपया लेते हैं। 450 रुपया में बना देते हैं। और देसी चिकन का क्या रेट चल रहा है? देसी चिकन का 1 केजी का है 700 रुपया। 700 रुपया, हाँ। तो वो बना के पूरा कंप्लीट आपका टेबल में पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो है ना रेट वगैरह जो है काफी जेन्युइन सा है। ठीक है, आपको आप एक बार किचन दिखाते हैं। ये मेरा किचन है, अभी मेरा जो 5 चूल्हा है, चूल्हा भी छोटा पड़ गया है। अभी ऑर्डर तो है लेकिन अभी चूल्हा चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वेटिंग में है, मीट कटा हुआ वेटिंग में है। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं। हाँ। क्या है, क्या सिस्टम है इसमें? ये मुर्गा का है। अच्छा, चिकन का है। हाँ। ओके, मुर्गा का मीट है। और वो क्या है? ये चकोर साग है। ये चकोर साग हो गया है ना। हाँ। सारा खाना वगैरह बनना यहीं पे होता है, इधर पे लाइन से सबका जो है। और ये पुर्जी क्या लगा हुआ है? ये पुर्जी जिसका जो भैया का है उनका पुर्जी लगाते हैं ताकि गड़बड़ाए ना। अच्छा, सब सब कढ़ाई में बंधा है, इसमें भी अभी बंधेगा, जैसे मुर्गा चढ़ेगा ये पुर्जा आपको बंधा जाएगा यहाँ पर, ताकि आदमी को चेंज ना हो जाए। अच्छा, सिस्टम तो बहुत बढ़िया सा है, जगह बहुत बढ़िया सा, बनाने का तरीका देख सकते हो, बिल्कुल ट्रेडिशनल लकड़ी के आस पे सारा खाना। आपका मड़ुआ का छिलका, रोटी नहीं है, छिलका है, जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। उसके बाद एक और ट्रेडिशनल फूड है, ये है मार झोर, ये बना हुआ है साग डालकर, जो ऊपर तैरता हुआ देख रहे हो ना, ये चकोर साग है, तो इसको बोलते हैं चकोर मार झोर। ठीक है, और फिर यहाँ पे चावल, तो ये जो चावल देख रहे हो ना, ये गाँव घर का चावल है, ढेकी का। यहाँ पे इनका ये जो है ना प्लस पॉइंट है। उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे सैलेड लगा हुआ है, बाकी सब दिया गया है, मतलब कि ट्रेडिशनल तरीके से भी है और स्टील के बर्तन वगैरह भी है। एक बार यहाँ पे आके आप मटन ट्राई करना।